नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 मई दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक। प्रचंड गर्मी के कारण 8 जून तक स्कूल बंद, सीएम नीतीश ने दिया निर्देश। आखिरी चरण के मतदान के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। इन जिलों में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई को लेकर शुरू की पहल। टेस्ट में भारत से छीना नंबर 1 का ताज। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 30 पदों पर निकाली भर्ती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 30 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने 12वीं 40% अंक के साथ पास की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बीपीएससी TRE 3 में कुल 87,772 पदों पर बहाली आई थी। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इसके परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद दूसरी बार परीक्षा 20 जून को होने वाली थी, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। साथ ही +2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले में भी स्टे लगा दिया है। अदालत ने हर साल के आधार पर 5 नंबर और हर 5 साल के आधार पर 25 नंबर का वेटेज देने का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए। दोनों शिक्षक हैं और दोनों ही पढ़ाने का काम करते हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर के बारे में। ये मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित सूर्य देवता को समर्पित है, जो हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर का स्वरूप उड़ीसा के कोणार्क मंदिर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसकी नक्काशी देखते बनती है। इतिहासकार के मुताबिक इसका निर्माण 6वीं और 8वीं सदी के मध्य में हुआ था। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर का निर्माण 3rd युग यानी द्वापर युग के मध्यकाल में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा 12 मंदिर बनवाए गए थे। ये मंदिर भी उन्हीं 12 मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का मुख पश्चिम की तरफ है। यदि आप धार्मिक स्थानों पर जाने का शौक रखते हैं तो इस मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। प्रचंड गर्मी के कारण 8 जून तक स्कूल बंद, सीएम नीतीश ने दिया निर्देश। बिहार के सभी सरकारी व निजी स्कूल, आंगनवाड़ी और कोचिंग संस्थान को भीषण गर्मी की वजह से 30 मई से 8 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा द्वारा जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। बता दें कि राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बेगूसराय, शेखपुरा, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और कटिहार में 80 से अधिक छात्र और छात्राएं बीमार हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई को लेकर शुरू की पहल। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस नई पहल के तहत अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा हिंदी में करवाई जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई करवाई जा रही है। इसी के तर्ज पर बिहार में ये पहल शुरू की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। बिहार में MBBS के कोर्स को हिंदी में तैयार करने को लेकर ये टीम भोपाल जाएगी और विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। स्वास्थ्य विभाग ने टीम को निर्देश देते हुए कहा है कि 5 जून तक अपनी रिपोर्ट विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को सौंपी जाए।
बिजली की अधिक मांग से लोड शेडिंग की आ रही नौबत, बिजली उपभोक्ता हो रहे परेशान। राज्य में भीषण गर्मी के कारण अचानक बिजली की मांग अधिक हो गई है। इस वजह से बिजली ग्राहकों को राज्य में बिजली आपूर्ति भी सही से नहीं हो पा रही है। राजधानी पटना समेत कई जगहों पर लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, जिस वजह से लोग गर्मी में और परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले साल 7500 मेगावाट बिजली कंपनी द्वारा जुलाई महीने में आपूर्ति की गई थी और इस बार मई महीने में ही बिजली कंपनियों को 7418 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करनी पड़ रही है। जुलाई के समय ये 8000 मेगावाट तक जा सकती है। बिजली की अधिक मांग के कारण और अधिक लोड की वजह से फीडर सब स्टेशन और ग्रिड सब स्टेशन पर लोड बढ़ गए हैं। इससे ट्रिपिंग की समस्या भी आ रही है और बिजली की आपूर्ति के बाद भी लोड शेडिंग करना पड़ रहा है। बीएड के लिए सरकारी निजी कॉलेजों में आए पिछले 4 साल से अधिक आवेदन। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तारीख 4 जून है। अभ्यर्थी 4 जून तक विलंब शुल्क देकर बीएड कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले 4 वर्षों की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों ने सीईटी बीएड 2024 के लिए आवेदन किया है। इस साल 198,101 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के अनुसार 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री 2024 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क के 28 मई के तय समय को समाप्त हुई। आखिरी चरण के मतदान के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। लोकसभा के आखिरी और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होने वाला है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम के बाद से चुनाव प्रचार के शोर थम जाएंगे। इस आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। इन 8 सीटों पर कुल 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें 78 पुरुष और 8 महिला शामिल है। बता दें कि आखिरी चरण के चुनाव के बाद 4 जून को चुनावी रिजल्ट सामने आएंगे। पटना यूनिवर्सिटी के हर्ष कांड मामले में हर्ष के पिता का बयान आया सामने। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र हर्ष कुमार की कुछ लोगों द्वारा जान ले ली गई थी। इस घटना के बाद पटना यूनिवर्सिटी से लेकर प्रशासन और पुलिस सभी एक्टिव हो गए हैं। मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद अब हर्ष के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पटना पुलिस की जाँच पर उन्हें भरोसा नहीं है, ऐसे में इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई करे। हर्ष के पिता ने आगे कहा कि अभी तक इस मामले में पुलिस कोई जाँच नहीं कर पाई है, तो आगे क्या कार्रवाई करेगी। पुलिस ने कहा था कि हर्ष की जान डांडिया नाइट में हुए विवाद के कारण सुनियोजित तरीके से ली गई है, लेकिन हर्ष के पिता ने पुलिस के इस थ्योरी पर भी असहमति जताई है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। इन्हें 40 और 50 के दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है और साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले मुख्य अभिनेता भी माने जाते हैं। चरित्र अभिनेता के रूप में लंबे और बेहद सफल करियर का आनंद लेते हुए वो खुद को फिर से स्थापित करने वाले पहले स्टार भी बन गए थे। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्म भूषण भी मिला। अशोक कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा 1966 में प्रदर्शित फिल्म अफसाना के लिए वो सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड को भी नवाजे गए। यहाँ जलीय जीव के बीमारियों की जांच और उपचार के लिए खुलेंगे जलीय जीव प्रयोगशाला। बिहार में मछली पालन करने वाले लोगों को अच्छी खबर मिलने वाली है। दरअसल जलीय जीवों में होने वाले बीमारियों की जांच और उपचार के लिए बिहार में जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला खुलने वाले हैं, जहाँ जलीय जीवों में होने वाले बीमारियों की जाँच की जाएगी, साथ ही उनका उपचार भी किया जाएगा। इस प्रयोगशाला में मछलियों के आहार की गुणवत्ता की जांच भी की जा सकेगी। ये प्रयोगशाला मत्स्य के महाविद्यालय मुजफ्फरपुर और पशु मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य अनुसंधान केंद्र में स्थापित होंगे। इसे स्थापित करने में राज्य सरकार द्वारा 9,02,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में कई लोग हैं जो मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अब इन कामों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। झुलसा देने वाली गर्मी में स्कूल में पढ़ने आ रहे कई बच्चों की बिगड़ रही तबीयत। झुलसा देने वाली गर्मी इन दिनों सभी के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है।
लगभग सभी जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री पार जा चुका है। स्कूल जाते बच्चों पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूल के संचालन की समय सीमा सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक रखी थी। दोपहर के समय में स्कूल में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। इस भीषण गर्मी में बीते दिन स्कूल के कई बच्चे बेहोश होकर गिर गए। बच्चे के साथ ही कई जगहों पर सफाई कर्मी, रसोई और शिक्षक के भी बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। अब तक पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल से इस भीषण गर्मी के कारण सरकारी स्कूल से 80 से भी अधिक बच्चों के बेहोश होने की खबर सामने आई है। बेहोशी के साथ ही बच्चों को अधिक गर्मी के कारण नाक से खून और उल्टी भी हुए। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति करने होंगे दर्ज। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना चिकित्सक, शिक्षकों, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर को अनिवार्य कर दिया गया है। अब वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक सिन्हा ने इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरीक्षण और मूल्यांकन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। इसमें NMC की तरफ से चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में चिकित्सकों की AEBS प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक उपस्थिति करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन जिलों में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। बिहार में लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गया में बीते 54 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग द्वारा गर्मी को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। आज प्रदेश में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में एक या दो स्थानों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों का अधिकतम तापमान 44 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक देखने को मिल सकता है। वहीं प्रदेश का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। पटना HC ने OMR सीट दोबारा जांच को लेकर BPSC को दिया यह आदेश। कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों के OMR सीट की दोबारा जांच करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि अभिलेखों पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से ये तथ्य स्वीकार किया गया है कि OMR सीट कक्षा 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों को दोबारा जाँच की गई, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया। कोर्ट ने न्याय हित में आयोग को आवेदकों का OMR सीट जिन्होंने कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किए हैं, उनकी 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करें। जानिए फोन में क्यों आती है ब्लैकआउट की समस्या। कई बार हमारे फोन में ऐसी समस्या आती है कि फोन ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी हम इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या वजह है। दरअसल ब्लैकआउट होने की वजह आपके फोन में वायरस भी हो सकती है। इसके अलावा आपके फोन में आउटडेटेड ऐप्स का होना है। दरअसल आउटडेटेड ऐप्स फोन के लेटेस्ट OS के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं या उनमें आ रही कुछ खामियों की वजह से आपके फोन ब्लैकआउट हो सकते हैं। अगर आपके फोन में भी ऐसी समस्या आ रही है तो वैसे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा इसकी जांच भी कर लें कि आपके फोन की बैटरी कहीं फूल तो नहीं रही। BIS देश के सभी अस्पतालों में बिल एक समान करने की कर रहा तैयारी। देश के सभी अस्पतालों में बिलिंग प्रक्रिया एक समान मानक तय करने की भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS तैयारी कर रहा है। BIS की इस पहल से मरीजों के साथ ही स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को भी लाभ मिलेगा। इस संबंध में उद्योग निकायों और संबंधित हितधारकों से BIS ने सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि BIS देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय निकाय है। ये सेवा क्षेत्र से जुड़ी संस्थानों, संगठन और अन्य इकाइयों के लिए मानक तय करता है। आपको बता दें कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिकल प्रतिष्ठानों द्वारा उपचारों और प्रक्रियाओं के लिए वसूलने जाने वाले शुल्क की सीमा निर्धारित करने में विफल रही है। साथ ही अदालत ने सरकारी और निजी चिकित्सा केंद्रों पर उपचार की कीमतों में भारी अंतर पाए जाने के बाद मंत्रालय को सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक करने को कहा था। पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को मिले ये निर्देश। पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र के निर्मम रूप से जान ले ली गई थी। इस घटना के बाद अब पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सभी हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों को 48 घंटे तक का समय दिया गया है। साथ ही चेतावनी जारी की गई है, यदि कोई हॉस्टल खाली नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आदेश केवल लड़कों को ही दिया गया है, गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को रहने की छूट दी गई है। राज्य के 25 जिलों में इस उम्र के बच्चों को कृमि मुक्ति दवा की मिलेगी खुराक। कृमि मुक्ति दवा की खुराक इस वर्ष राज्य के 25 जिलों में 1 से 19 वर्ष के लगभग 4 करोड़ बच्चों को खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में राज्य के 25 जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण का अभियान अगस्त में चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अभियान से संबंधित सभी प्रकार की तैयारियां 31 जुलाई तक सुनिश्चित की जाए। चुनाव के बाद जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की बढ़ सकती है परेशानी। लालू यादव और उनके परिवार पर नौकरी के बदले जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है। इस मामले की सुनवाई राव रेवेन्यू कोर्ट में टल गई है। सीबीआई को कोर्ट द्वारा कंक्लूडिंग चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। अब 7 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीन ली थी। इस मामले में लालू यादव के साथ साथ उनके परिवार पर भी कई आरोप लगे हैं, जिस पर अभी जांच चल रही है। तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बिहार में अफसरशाही। बिहार में अधिक गर्मी के कारण प्रदेश के कई जिलों के सरकारी स्कूलों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि अफसर स्कूल टाइमिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में समझ जाएं कि बिहार में क्या स्थिति है। आप खुद सोच लें कि 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी बच्चों को राहत नहीं मिल रही है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया है, राज्य में सरकार नहीं बची है, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। टेस्ट में भारत से छिना नंबर एक का ताज। टेस्ट वनडे और T20 रैंकिंग का सालाना अपडेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी ICC द्वारा जारी किया गया है। इस अपडेट के बाद नंबर एक टेस्ट का ताज अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया टीम को मिला है। ये नंबर एक टेस्ट का ताज भारत के पास था, लेकिन बात करें वनडे और T20 की तो अभी भी यहाँ भारत नंबर एक पर बना हुआ है। इस सालाना अपडेट में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की 124 रेटिंग है, वहीं भारत 120 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं 105 रेटिंग के साथ इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1826 में प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र उदंत मातंड का प्रकाशन हुआ था। 30 मई वर्ष 1987 में गोवा को भारत के राज्य का दर्जा मिला था। गोवा भारत का 26वां राज्य बना था। आज के दिन वर्ष 2012 में विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। आज के दिन वर्ष 1935 में भारत के प्रख्यात सितार वादक देबू चौधरी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1909 में पंडित मुखराम शर्मा का जन्म हुआ था। वे पेशे से एक भारतीय हिंदी सुप्रसिद्ध कथा पटकथा और कहानी लेखक थे। आज के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे ईमेल पर आ रहे इस लेटर के बारे में। कई लोगों को ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें इंटरनेट आईपी ट्रैफिक के विरुद्ध न्यायालय आदेश से संबंधित एक ईमेल भेजा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये ईमेल पूरी तरह से फर्जी है। इस पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है, जहां इसे फर्जी बताया गया है। रेड जोन के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन भारी गिरावट हुई है और बाजार रेड जोन में बंद हुआ है। BSE पर सेंसेक्स 668 अंकों की भारी गिरावट के साथ 74,502.90 अंक पर क्लोज हुआ है। वहीं NSE पर निफ्टी 183 अंकों की गिरावट के साथ 22,703.95 अंक पर बंद हुआ है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक एम, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, BPCL और ONGC लार्ज कैंप स्पेस में सबसे ज्यादा पिछड़े रहे, जिनमें 1% से 3% तक की गिरावट आई है। इसी बीच व्यापक बाजार में BSE मिड कैप इंडेक्स फ्लैट लाइन से नीचे था, जो इंट्राडे में लगभग 1% फिसल गया। हालांकि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने % घटा है। ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी है 62%, ऑप्शन सी है 47%, ऑप्शन डी है 74%, इसका सही उत्तर 62%। हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आरती नारायण, ऑप्शन बी है मेघना अहलावत, ऑप्शन सी है जया बडिगा, ऑप्शन डी अभय सिंह, इसका सही उत्तर है जया बडिगा। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए है अमेजोन, ऑप्शन बी है उबर, ऑप्शन सी है सील, ऑप्शन डी है ब्लिंकिट, इसका सही उत्तर है सील्ड।
अभी बिहार में 38 जिले हैं। झारखंड के स्थापना से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 50। इसका सही उत्तर है 52। बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? ऑप्शन ए दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी दिल्ली से पटना, ऑप्शन सी मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी पटना से रांची। इसका सही उत्तर है मुगलसराय से कोलकाता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है अनवर करीम खान, अतीक खान, संजीव कुमार, राजीव कुमार, राकेश मिश्रा, पवन सिंह, मंटू कुमार, संतोष कुमार, सुमन, निराला कुमार, गणेश कुमार, राजू कुमार, भरत प्रसाद, नवल किशोर झा, गोनर शर्मा, कृष्णा प्रसाद, अंशुका कुशवाहा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से T20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।